राव जी की गाड़ी तो सीधे गई, तूने लेफ्ट क्यों लिया? ओ मेरे वीरे, कभी कभी जिंदगी में ना कुछ सही काम करने के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं। और तुझे और भाभी को बस कुछ प्राइवेट टाइम दे रहा हूं, और तू टेंशन ना ले, एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचा दूंगा। भाई तू चाहता क्या है? पहले तूने गड्डी लेफ्ट को ले ली, अब तूने गड्डी रोक दी, चाहिए क्या तुझे? वो चाहिए मैंने। गोलगप्पे? हाँ गोलगप्पे। ओ वीरे याद है कैसे हम बचपन में जाया करते थे गोलगप्पे खाने के लिए, और कंपटीशन लगाते थे कि कौन कितने ज्यादा गोलगप्पे खाएगा। यार वरुण बचपन बीत गया है, ये सब छोड़ और चल फैक्ट्री पहुंचना, चल चल। सॉरी मेरे वीरे, गोलगप्पे से अपना पुराना कनेक्शन है, और अब इतनी दूर आए हैं तो बिना खाए तो जाएंगे नहीं, और अपनी पापी को भी तो पसंद होंगे ना गोलगप्पे, तो हम तो चले। भाभी चलो, मेरे दिमाग खाने से अच्छा तो गोलगप्पे खा लो। और पापे कैसा है? चल अब जल्दी से अपने सबसे स्पेशल वाले गोलगप्पे खिला हम सबको। जरूर कर, अभी खिले दो जी। सर जी आप तो तीन लोग हैं और प्लेट तो एक ही है, वो मेरी वट्टी गई अभी बाकी प्लेट धोने के लिए, आप बैठे ना 10 मिनट लगेंगे। ओ नहीं वरुण, इतना टाइम नहीं हमारे पास, चल हमने नहीं खाने गोलगप्पे। ओ रुक जा वीरे, इतनी क्या हड़बड़ी है, जब देखो तूफान मेल बना रहता है। मैं प्लेट पकड़ कर खड़ा होता हूँ और उसमें से खाता हूँ, और तुम दोनों उसी में से गोलगप्पे उठाकर एक दूसरे को खिलाओ। तू ना अपना ये तरीका अपने पास रख, मैंने कोई गोलगप्पे नहीं खाने। सॉरी बॉस, गोलगप्पे खाए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और जैसे बताया है वैसे ही खाएंगे। तेरे एक बारी में समझ में नहीं आती वरुण, नहीं खाना यार गोलगप्पे। देखना वीरे, भाई के लिए तुझे मेरी कसम। चल छेती कर। दीदार है दिल की राहत, तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, पीरे को खिलाएंगे। ये हुई ना बात, और चल पापे और खिला। तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो
हो मुझ पे इनायत, तुझे रहनुमा मैं बना लूं। इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। तेरे सजदे आप दोनों बड़े नसीब वाले हो। तुझे अभी क्यों लगाई है? अब तक हम तुझे बदनसीब नजर आ रहे थे। नहीं वीर जी, ऐसा मानते हैं कि कोई जोड़ी अगर एक साथ गोलगप्पे खा रही हो और किसी एक को सदक आने से खांसी आ जाए तो वो जोड़ा हमेशा के लिए सलामत रहता है। आप भी देखना, आपकी जोड़ी भी सलामत रहेगी। पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर। आजा बहू, आजा। आओ आओ जी। फैक्ट्री का उद्घाटन है या दशहरे की रामलीला है? इनसे बोल माइक पे हलो हलो करना बंद करें और उद्घाटन जल्दी से करें, नहीं तो मैं चला यहाँ से। तू क्या हमेशा घोड़े पर सवार रहता है? मन की भड़ास से निकल जाने थे, मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाता है। मैं इस मौके पे आपको लंबा चौड़ा भाषण देना चाहता। मेक इन इंडिया के तहत एक और फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए घर की लक्ष्मी मेरी बहुरानी आई है, जिसके नाम पे मैंने ये फैक्ट्री बनाई है। आज उसके शुभ हाथों से हमारी इस नवी खिलौनों की फैक्ट्री का उद्घाटन होगा और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे इनके शुभ हाथों से मेरी इस नई फैक्ट्री का पीता कटेगा, बस बरकत ही बरकत होगी। तालियां। आओ बहुरानी जी, आओ जी। आओ जी बहुरानी जी। लो बहुरानी जी, शुभ हाथों से बहुरानी की फैक्ट्री का उद्घाटन। जब से तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। चल भाग। मैं भी देखती हूँ कब तक तू इसकी मनुष्यत को छुपा के रख पाएगी। देखती हूँ मैं। हेलो जी। मैनू यकीन है जिस तरह से तेरा नाम हमारे कारोबार में बरकत लाएगा और उसी तरह से तेरे कदम हमारे घर के आंगन में बच्चों की खिलकारियां खिलकारियां से भर देगा। एक बात याद रखना, दूसरी बार जब ऐसा मौका आएगा ना, तब कम से कम हमारे गोद में दो बच्चे तो होने चाहिए, है ना जी? सुन ले बहुरानी जी। ठीक ठीक है जी, आप लोग सब मेरे साथ इस खुशी के मौके पे आप लोगों ने शिरकत की है तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय अभी। चलो जी। ओ वरुण, वो तू पत्थे किधर जा रहा है? हमारे नाल चल, आजा। वरुण, वो तैनू कह रही है प्रीतो, सुनाया नहीं दिता? तेरा पेजा इधर है कि इधर है?
कबाब में अड्डी, नवी नवी शादी हुई है तो मारा छितर तेरे। ओके मामा जी चलिए। चलो आगे बैठो। जी मैं पीछे बैठ जाती हूँ। क्यों? तुम्हारा ड्राइवर नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें। आगे बैठो। ओ हरमन सुन तो, ओ सुन तू आप बहादुरपुर जाएगा? अपनी तो बहादुरपुर क्यों जाऊंगा, घर का रास्ता तो सीधा है। तो चले जाना। क्यों? करतारी की दुकान है ना, वहाँ का गुड़ बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा ले आ घर के लिए। देख प्रीतो, मैं कोई करतारे की दुकान पे नहीं जा रहा, रास्ता उल्टा पड़ेगा। मैं मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे सोना पुत्र, आई लव यू ना, जा ले आ चल। यार घर वाले, यार पुत्र हूं पर चून वाला हूं, गुड लाके। सुनिए जी चले चलते हैं, रास्ते से गुड़ उठा लेंगे, मैं सबके लिए गुड़ वाली खीर भी बना लूंगी। तुम ना बस मेरी बीवी बनने का नाटक ठीक से करो, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बैठो। किसी से भी बात नहीं हो पा रही है, वहां पे क्या चल रहा होगा कैसे पता करूं, कोई खबर ही नहीं मिल रही है। देख पुत्र फिक्र ना कर, कोई खबर नहीं मतलब अच्छी खबर है, है? अगर कुछ हुआ होता ना तो अब तो कब का फोन आ चुका होता, इसलिए घबराओ मत तुम लोग। हाँ नानी, पर एक बार बात हो जाती तो तसल्ली हो जाती ना। तू चिंता ना कर, थोड़ी देर में फिर ट्राई कर लेंगे। करतारे का गुड़ तो ले लिया, अब बलवंत की चाय तो बनती है। सुनो तुम चाय पियोगी? या तो तुम ऊंचा सुनने लग गए हो या मैं धीरे बोलने लग गया। अरे जवाब क्यों नहीं देती, चाय पियोगी? मुंडी मत हिलाओ, हाथ पांव चलाओ और बाहर निकलो गाड़ी। ओए उठे देख उठे, बहादुरपुर में तोता, क्या बात है। आजा बेबी तेरे को बहादुरपुर की सैर कराता हूं। सस्ते गुंडे चल, अरे हट, मुझसे चार कदम दूर हट चल। मेरे बाप ने कभी पीछे मुड़ना नहीं सिखाया मेरे को, और कोई मुझसे आगे निकल जाए इतना किसी के बाप में दम। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है, अगर अभी पीछे नहीं हटा तो इसके बाद जो होगा उसके लिए तू अपने बाप को ही कोसेगा। गाड़ी में ही बैठी रहना, बाहर मत आना। हाँ भाई, तो हरमन से इंट्रोडक्शन के तीन तरीके, बात बात मुलाकात आत, और फिल्ला फिल्ला। बात और मुलाकात हो गई, अब तू लात खाए।
गाड़ी से बाहर मत निकलना। मेरे पांच गिनने तक जो तुम लोग यहां से फुर नहीं हुए तो जितना पिटे हो इतना अब और पिटोगे। एक दो तीन। मैं जानती हूँ जी, आपको मेरा पास आना पसंद नहीं, पर अभी मत रोकिएगा। तो कितने रह गया था तू? और ये ले तेरे करतारे के गुड़। गुड़ बनाने गया था? इतना वक्त लगता है? तू हाय रब्बा, एक ही हो गया? कितना खून आ रहा है? हाय तौबा, वो कैसे लग गई? क्या कर रहा था तू? कहाँ गया था? कैसे चोट कैसे पहुंची? कितना खून? रुक जा, धीरे रुक जा माँ। हल्का सा कट गया था, तेरी बहू ने पट्टी बांध दी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ए, हल्का सा कट गया? हाँ। कहानियां बना रहा है बहू रानी। मैं ना इसको बचपन से पहचानता हूं। अब बहू रानी जी बताएंगी कि दरअसल कहानी क्या है। पापा जी, वो रास्ते में हम गुड़ लेने के लिए रुके, वहां पर कुछ गुंडे पीछे पड़ गए, एक ने चाकू से हम पर वार किया तो इनका हाथ कट गया। तेरा प्यो चाकू लफंडर कहीं का? सही कहते तेरा प्यो, लफंडर ही है तू, कभी नहीं सुधरने वाला। छल्ला कहीं का, मैंने कहा था ना तू पुराना वाला कुवारा हरमन नहीं है, कहीं भी मारपीट करने खड़ा हो जाता है, कुछ उल्टी सीधी चोट लग जाती तो। अभी तो गुंडे सौम्या को छेड़ रहे थे, बस फिर क्या था, मेरा भी हाथ छूट गया। शाबाश, अब मैं क्या कमाल करता ही। मुझे ना बड़ी खुशी हुई बहू रानी के लिए, तेरा जो प्यार है ना, बाकी मेरा शेर है तू पंजाबी है। इसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो भी मैं यही करता।